अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तारा फुरकान फ्रॉम ट्रेडिशनल केक्स। तो आज मैं आप लोगों को बेसिकली बता रही हूँ इस वीडियो के थ्रू कि सबके पास फाउंडेंट के कुछ ऐसे पीसेस, टुकड़े, अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स, नंबर्स, इस तरह की चीज़ें बची हुई होती हैं जो कि समटाइम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं ये सोच कर कि वो इतने ड्राई हैं, कलर्स इतने उनके अजीब से हैं और वो यूज़ के काबिल नहीं होते। क्योंकि हम जैसे लेटर्स हमने एक्स्ट्रा निकाल लिए, डेजी फ्लावर्स होते हैं समटाइम वो एक्स्ट्रा निकल जाते हैं, कुछ टॉपर्स हम एक्स्ट्रा ही बनाते हैं, स्टार्स हो गए, हार्ट्स हो गए, इस टाइप की चीज़ें, और फिर जब वो बच जाती हैं तो फिर हम उन्हें मैश किए बगैर ऐसी ही एक बॉक्स में भरते रहते हैं इस ख्याल से कि शायद ये बाद में यूज़ हो जाएंगी, और वो यूज़ में नहीं आते और वो रखे रखे इतने ड्राई हो जाते हैं, इतने सख्त हो जाते हैं कि वो आपके इस्तेमाल के काबिल नहीं होते और अक्सर हम उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आपने उन्हें फेंकना नहीं है, आपने उन्हें क्या करना है कि एक प्लेट में उनको डालना है और हल्का सा उसे माइक्रोवेव करना है। लाइक वो इतना ज़्यादा हार्ड होंगे अभी असल में, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है और मतलब रमज़ान का स्टार्ट है तो मौसम काफ़ी बेहतर था, तो इसी वजह से आप इसको बगैर हल्का सा माइक्रोवेव किए मैश नहीं कर सकते। सिर्फ आपने इसलिए माइक्रोवेव करना है कि ये प्रॉपरली मैश हो सके। गर्मियाँ होंगी तो आपको माइक्रोवेव करने की नीड नहीं पड़ेगी। देन आप अपने हाथ पर हल्का सा पानी लें, अगर आपके पास शॉर्टनिंग अवेलेबल नहीं है तो हल्का सा अपने हाथ पर पानी लें और इसको खूब काउंटर के ऊपर रख के मैश करते जाएं। वीडियो में तो ये बहुत आसान सा नज़र आ रहा है कि ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मुझे 15 से 20 मिनट सिर्फ इसको मैश करने में लगे हैं। मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको एक दफ़ा ही हल्का सा माइक्रोवेव किया। देन मैं इसमें हल्का हल्का अपने हाथ पर पानी लगा रही हूँ और इसको नीड करती जा रही हूँ, क्योंकि ये वैसे भी डिफरेंट कलर्स के मिक्सअप होता है और ये मतलब इसका कोई स्पेसिफिक कलर बन नहीं सकता। अब ये इतने अलग अलग कलर्स होते हैं कि आप चाहकर भी इन्हें दोबारा यूटिलाइज सिंगल वे में नहीं कर सकते कि लाइक आप सोचें कि मैं ब्लू इसमें से निकाल के उन्हें मिक्स करूं तो फिर ब्लू फाउंडेंट बन जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो इतने हार्ड हो चुके होते हैं कि वो मिक्स होने के बाद भी आप उन्हें दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, आपको उन्हें कम्बाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इतनी ज़्यादा हार्ड है क्योंकि मौसम ठंडा होने की वजह से जो नॉर्मल हमारी जो ताज़ी फाउंडेंट होती है वो हमारी काफ़ी हद तक हार्ड होती है, तो ये तो इतनी ड्राई है बिल्कुल ही यूँ समझे पत्थर होती हैं, तो ये तो बिल्कुल भी आप इसके बगैर नहीं बना सकते। शॉर्टनिंग हो तो आप शॉर्टनिंग लगा के भी इसको बेल सकते हैं, लेकिन हर कोई शॉर्टनिंग यूज़ नहीं करता, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को इसका आइडिया दिया कि आप हल्का सा पानी लगाते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। ना आपने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, ना आपने इसमें कोई और चीज़ ऐड करनी है, कुछ भी नहीं ऐड करना, ना बटर, ना घी, ना कोई भी चीज़ नहीं ऐड करनी, सिर्फ पानी लगा के आप इसको खूब अच्छे से बेलते जाएं और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। अच्छा, लेकिन अब ये बेहतर तो हो चुकी है मगर फिर भी ये किसी इस्तेमाल के काबिल नहीं है, तो हमें इसमें ब्लैक कलर ऐड करना है और कोई कलर आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लैक का शेड आ चुका है इसमें। अगर आप कोई और कलर ऐड करेंगे तो वो लुक्स ही नहीं आएंगे। एटलीस्ट चलो ब्लैक कलर ऐड करने से ये होगा कि आपको ये तकरीबन ये हाफ़ केजी के करीब फाउंडेंट है, ये आपको हाफ़ केजी ब्लैक फाउंडेंट बनी बनाई मिल जाएगी, आपको परचेज़ नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आप इसमें चाहें तो लाइक इसको जो कलर आया है ना उसी कलर के साथ आप इसको रख सकते हैं, जैसे ढोल वगैरह बनते हैं तो आप उसमें अंदर यूज़ कर लें और ऊपर से दूसरे कलर्स ऐड करके उस ढोल को कंप्लीट कर लें। रैप करने वाले जो फाउंडेंट टॉपर्स होते हैं उनमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब ज़रूरी तो नहीं कि हमारे पास इतने ज़्यादा ऑर्डर आएँ जिसमें इतने बड़े बड़े रैप करने वाले टॉपर्स हों, तो बेहतर है कि आप इसको ब्लैक फाउंडेंट बना लें क्योंकि ब्लैक के ऑर्डर्स तो आ ही जाते हैं, ब्लैक तो हर जगह यूज़ हो ही जाता है, एज़ कम्पेयर टू कि ये जो ग्रीनिश ब्लैक था ये कहीं भी यूज़ नहीं होता और ये इतना गंदा कलर होता है कि आप यकीन जाने कि इसको ना, ये तो वीडियो में फिर भी आपको बड़ा मुनासिब सा लग रहा है लेकिन ये जो हकीकत में कलर है ना, ये इतना कोई गंदा कलर है, इसके कभी टॉपर बन नहीं सकते, या तो इसको टॉपर्स बनाने के बाद सिल्वर गोल्डन डस्ट भी नहीं अप्लाई की जा सकती क्योंकि कोई मैच ही नहीं है ना गोल्डन के साथ ना सिल्वर के साथ। और मैंने हमेशा ये बनाया है और यकीन जाने यही कलर आता है, जितने भी फाउंडेंट मेरी बची हुई होती है उन सबको जब मैं मिक्स करती हूँ तो इसी कलर की बनती है, पता नहीं क्या रीज़न है, क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादातर डार्क कलर्स होते हैं तो इसी तरीके की शेड में आ जाता है और फिर उसको मुझे बेहतर करने के लिए ब्लैक फूड कलर ऐड करना पड़ता है। अच्छा, जब हम फूड कलर ऐड करेंगे ना तो ये फाउंडेंट खुद ही हमारी सॉफ्ट हो जाएगी क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म होते हैं कलर्स, जेल कलर्स यूज़ नहीं करती मैं फाउंडेंट में, तो लिक्विड कलर्स ही यूज़ कर सकती करती हूँ। तो यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि ये फाउंडेंट बिल्कुल वैसी की वैसी हो गई है जैसी हम ब्लैक रेडीमेड ख़रीदते हैं। ये स्क्रीन में आप लोगों को शायद डल नज़र आ रहा है लेकिन ये बिल्कुल जेट ब्लैक कलर है इसका,
और ये बिल्कुल आप यूँ समझें कि इसको ब्लैक की जगह पे आराम से यूज़ कर सकते हैं, ना इसके टेस्ट पर कोई फ़र्क आएगा, ना इसके स्टेबिलिटी में कोई फ़र्क आएगा, इसके टॉपर्स भी प्रॉपर ड्राई हो जाएंगे। उम्मीद है ये आप लोगों को छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अब आपके जो टॉपर्स हैं, जो फाउंडेंट है, वो चीज़ें वेस्ट नहीं होंगी, आप उन्हें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।